رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 एंड वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं सब? तो जी रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है और इबादत के साथ साथ जो है वो हमें अपनी सेहत का भी भरपूर ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाया करें, उससे सेहत ख़राब होती है। और बहुत ज़्यादा शुगरी जो ड्रिंक्स होते हैं वो भी नहीं लेने चाहिए। तो खैर, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं, बस ये मुझे लगता है कि इस तरह करेंगे तो हमारा वज़न भी थोड़ा कम हो जाएगा और वैसे भी हम हेल्दी रह सकेंगे और पूरा एंड तक रमज़ान को इंजॉय कर सकेंगे। हमारी सेहत बिल्कुल नहीं ख़राब होगी और हम इबादत पर भी पूरी तवज्जो दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सहरी से इफ्तारी तक की मुकम्मल रूटीन कि मैं सहरी में क्या बनाती हूँ। हर रोज़ एक चीज़ ही तो नहीं बनती, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने सहरी में क्या बनाया था। जी आटा मैंने गूंद दिया है, तो मैं सहरी में बनाती हूँ पराठे। डेली तो नहीं बनाती हूँ, सादा रोटी बनाती हूँ लेकिन उसके ऊपर फिर घी लगा देती हूँ। तो बस पराठे जो है वो कभी कभी बनाती हूँ, आज मैं पराठे ही बनाऊँगी। तो सबसे पहले जो है वो हम बना लेते हैं लस्सी और उसको बना के रख देते हैं। और अगर आप बाज़ार की लस्सी यूज़ कर रहे हैं तो वो काफ़ी थिक होती है, मैं भी पहले वही यूज़ करती थी लेकिन आज ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने सोचा मैं दही से खुद ही बना लेती हूँ। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ कि मैं यहाँ से मैंने इसमें ले लिया है दही और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा। ये मैंने पहले ही हल्का सा ड्राई रोस्ट करके तो जार में भर के रखा होता है। थोड़ा सा इसमें बस नमक डाल देंगे और हल्का सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि ज़ीरा जो है वो अच्छी तरह से इसमें पिस जाए। और ज़ीरा वज़न कम करने के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है और इससे आपकी जो लस्सी है वो भी काफ़ी टेस्टी हो जाती है। अगर आप पहले नहीं यूज़ करते तो इस तरह से बना के देखें, काफ़ी मज़ेदार लगती है। तो बस फिर जितनी आपको थिक या थिन चाहिए होगी लस्सी उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। और ये वैसे मैं प्यारा सा जग लेके आई थी रमज़ान थीम का और बहुत खूबसूरत चीज़ें आई हुई हैं मार्केट में रमज़ान के हवाले से, तो बहुत प्यारी आती हैं। तो बस इसमें अब डाल दूंगी मैं आइस। वैसे यूजुअली मैं आइस नहीं डालती हूँ किसी भी ड्रिंक में, मुझे लगता है आइस वाला ड्रिंक पीने से गला ख़राब हो जाता है। तो डायरेक्ट जो ठंडा पानी होता है वो आप पी सकते हैं, लेकिन बर्फ़ वाला पानी जब मैं पीती हूँ तो मुझे लगता है मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो आज मैंने इसलिए डाल दिया कि हमारा डिस्पेंसर ख़राब था और पानी की बॉटल मैंने भर के रखी नहीं थी फ्रिज में, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आइस ही डाल देती हूँ इसमें। बना रही हूँ सहरी के लिए अफ़गानी ऑमलेट। आप चाहें तो सिंपल ऑमलेट बना सकते हैं लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। मैंने छोटा सा एक प्याज लिया था, एक छोटा सा टमाटर और दो तीन मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक सा मैंने काट लिया है, छोटे छोटे से उसके चंक्स बना लेने और हल्का सा घी या बटर डाल के आप उसको पका लें ताकि बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाएँ, मतलब आलू थोड़े से गल जाएँ। और अगर पानी की ज़रूरत हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें थोड़ा बहुत। तो बस ये है जी एक टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ये देखिए इस तरह से सब्ज़ मिर्चें या फिर धनिया पुदीना कुछ भी सेव करके रखना चाह रहे हैं फ्रिज में, फ्रेश रहे आप चाहते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए, तो आपने उसको टिशू में इस तरह से रोल करके रख देना है। कोई भी आपने डब्बा या मतलब कुछ भी आप ले लें तो टिशू लेके आप जो भी चीज़ फ्रिज में रखना चाह रहे हैं धनिया पुदीना या सब्ज़ मिर्चें, तो आप उसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, कोई भी गला सड़ा पत्ता जो होगा वो निकाल देंगे। उसको धोना नहीं है, वॉश नहीं करना, वॉश करने से उसमें मॉइस्चर आ जाता है तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर ग्रीन चिली को आप इसी तरह से फ्रिज में ज़्यादा अरसे के लिए फ्रेश रखना चाहते हैं तो आपने उसकी डंडियाँ तोड़ देनी है
क्योंकि डंडियों को फंगस लग जाती है, तो जिसकी वजह से फिर हमारी मिर्चियाँ जो होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो बस आपने इस तरह से फिर टिशू लगा के तो उसको रख देना है, तो काफ़ी दिन निकल जाएंगे आपके, वो ख़राब नहीं होंगी। तो जब भी इस्तेमाल करनी होंगी जितनी चाहिए होंगी वो निकाली और वॉश करके तो आपने यूज़ कर ली। तो बस जी ये मैंने इसमें डाल दी थी लाल मिर्चें, नमक, हल्दी और ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा, और फिर बाद में मैंने इसी तरह से इसके ऊपर 3 eggs डाल दिए हैं। आपको जितने चाहिए हो आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। बस एग जो है वो इसके अंदर फेंट के बीट करके नहीं डालने, इस तरह से डाले जाते हैं। और उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर दूँगी एग्स के ऊपर। और ये है जी चीज़, अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर दें, बस मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ, मज़े की लगती है। अगर नहीं हो तो आप ना ऐड करें, तब भी बहुत मज़े का बन जाता। तो ये जी है इसकी फ़ाइनल लुक, ये देखें कितना प्यारा मज़ेदार सा लग रहा है। तो बस इसको कवर करके रख देंगे। ये जो एग्स हैं इनकी योक खुद ही स्टीम के अंदर ही कुक हो जाती है बहुत अच्छी तरह से। तो अब जी ये मैं बना रही हूँ पराठे, और मैं यूज़ करती हूँ देसी घी। आप भी देसी घी यूज़ किया करें, बहुत हेल्दी होता है और ये भी वज़न कम करने के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप 1 teaspoon देसी घी डेली ले सकते हैं। तो बस इसको मैं इस तरह से कोन बना लूँगी तो इसके पराठे बना लेंगे। तो डेली मैं पराठे तो नहीं बनाती हूँ, बस सिंपल सादा रोटी बनाती हूँ, और फिर उसके बाद जैसे उसको कहते हैं ना पंजाबी में कि चौपड़ के खा लेनी रोटी कि रोटी के ऊपर हल्का सा घी लगा के तो उसको खा लो, तो बस वो काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। तो बस जी मैं सिर्फ 3 पराठे बनाऊंगी, ये वाला जो छोटे वाला पेड़ा है वो मैं खाऊंगी पराठा, और 2 मैंने बड़े पराठे बना लिए हैं। कभी कभी मैं सिर्फ 2 बनाती हूँ लेकिन आज 3 बना रही हूँ। तो वैसे ना सऊदीया में रमज़ान का तो अपना ही मज़ा है, और जब हम सो के उठ के सहरी करते हैं ना तो इतना नहीं खाया जाता, तो जब जाग रहे होते हैं और मज़े से सहरी बनाते हैं और खाते हैं काफ़ी मज़ा आता है, अच्छा लगता है। जब हम पाकिस्तान में होते थे तो ऐसा नहीं होता था, तरावी की नमाज़ अदा करके तो सो जाना होता था, उसके बाद फिर उठते थे और फिर सहरी बनाते थे, ना तो बनाने को दिल कर रहा था, आँखें भी नहीं खुलती होती थी और ना ही वो मज़े से खाई जाती थी सहरी, क्योंकि सुबह सुबह खाने को दिल ही नहीं करता था। तो जब से सऊदीया आए हैं तो सहरी और इफ्तारी का काफ़ी मज़ा आता है। खैर पाकिस्तान में भी इफ्तारी का मज़ा आता था लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी तो बहुत पानी पिया जाता था। तो ये है जी हमारे अफगानी ऑमलेट की फ़ाइनल लुक। तो मैंने साथ में थोड़ा सा अचार ले लिया था, और ये है लस्सी, और साथ में पराठा खाएंगे। अफगानी, अच्छा अफगानी अंडा जी, सॉरी हाँ जी अफगानी, अफगानी काबुल का अफगान आया था, तो वो कह रहे थे कि ज़्यादा भूख नहीं है, तो बस फिर उन्होंने जो ऑमलेट मैंने बनाया था वो वैसे ही खाली स्पून से खा लिया था। ये ऐसे भी आप खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि आप आलू जो है वो वैसे खा सकते हैं और बीच में एक फ्राई अंडा होता है। अगर आप उसके साथ रोटी ना भी लें तो भी सही है, क्योंकि आलूओं के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और रोटी में भी सेम चीज़ होती है, तो इसलिए आप खाली ये सहरी भी कर सकते हैं। तो बस उसके बाद मैंने बना ली थी चाय, ज़्यादा नहीं पीऊँगी, बस मैं भी हाफ कप पीती हूँ और हस्बैंड को भी सिर्फ हाफ कप ही देती हूँ सुबह सहरी में, क्योंकि फिर जो है ना वो सारा दिन ऐसे फील होता रहता है जैसे प्यास प्यासी होती है, क्योंकि जो चाय हम पीते हैं तो हमारी बॉडी से ये मॉइस्चर ख़त्म करती है। तो बस उसके बाद जो है वो मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ इफ्तारी। तो आज की इफ्तारी में मैंने बनाई थी चिकन पफ पेस्ट्रीज़, और ये मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी, फ्रोज़न थी, तो वैसे ही मैंने इनको एयर फ्रायर में डाल दिया तो जल्दी से हो गई थी। और ये है जी मिक्स टैंग, और साथ में मैंने चना चाट बनाई थी। और बाहर गए थे हम वापसी पे, फिर हम लोग कुनाफा लेके आ गए, मेरे हस्बैंड को कुनाफा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कोई इतना ख़ास मज़े का नहीं था, कुनाफा लैब का था, बस ठीक था, बहुत ज़्यादा मतलब आप कहें कि वाओ नहीं था। तो बस चना चाट बनाई थी, और चना चाट में मैंने चने जो जार वाले होते हैं बाज़ार के उबले हुए वो यूज़ कर लिए थे, और बस आलू बॉयल किए और टमाटर प्याज वगैरह डाल दिए, और ग्रीन चटनी पहले से बना के रखी हुई थी, और फ्रूट चाट बनाई नहीं थी कि फ्रूट ऐसे ही खा लेंगे, अगर खाना होगा तो टाइम पे काट लेंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।